नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात करें हम कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर और साथ ही साथ राजस्थान में होने वाले सियासी बवाल को लेकर। अब यहाँ पर जानकारियाँ सामने आई हैं कि जब खड़गे अध्यक्ष पद का यहाँ पर शपथ ले रहे थे तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियों की बात की थी सोनिया गांधी ने, जिसमें सबसे पहले चुनौती आई थी कि राजस्थान में जो बवाल चल रहा है उसको किस तरीके से शांत किया जाएगा। दूसरी चुनौती यहाँ पर सामने आई थी कि गुजरात और हिमाचल में होने वाले चुनावों को किस तरीके से लड़ा जाएगा, क्या रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरी चुनौती यहाँ पर सामने आई थी कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है वो कहीं ना कहीं खड़गे के लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस खबर में हम आपको बता दें सबसे पहले राजस्थान के बवाल को लेकर। यहाँ पर बवाल तब से शुरू हुआ था जब से अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया गया था, लेकिन उनको यहाँ पर अपने सीएम पद का लालच था जिस वजह से उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे। अब उसके बाद यहाँ पर उनके तीन विधायकों पर इसमें शांति धारीवाल, राजेंद्र गुड़ा और साथ ही साथ यहाँ पर डोटासरा पर गाज गिरती नजर आई थी, जिन्होंने यहाँ पर सोनिया गांधी के खिलाफ काफ़ी सारी टिप्पणी की थी। और उनको जब पत्र लिखा गया तो इन्होंने भी पत्र लिखकर माफ़ी मांगी, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुए। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं सीपी जोशी को उन पर भी फैसला लेना था, लेकिन उन पर फैसला लेने में देरी करते नजर आए सीपी जोशी, जिसको लेकर ये मामला कहीं ना कहीं अध्यक्ष तक पहुँचा और कहा गया कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए हैं तो अब उन्हीं को फैसला लेना है उन तीनों के तीनों विधायकों पर। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि या तो वो लोग इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें ये जताई जा रही है कि यहाँ पर अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव के समय समर्थन किया, तो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ही अशोक गहलोत के सामने झुकते नजर आएंगे, अपने घुटने टेकते नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर उनके विधायकों की जो यहाँ पर सत्ता है उसको बचाया जा सकता है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर सचिन पायलट को लेकर भी बात की जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसी एक को चुना है मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि आने वाले समय की जो राजनीति है, जो आने वाले समय के चुनाव है उनको देखते हुए यहाँ पर तगड़ा फैसला भी लेना है कि आखिरकार राजस्थान में कौन सीएम पद संभालेगा भी बचे हुए एक साल में और साथ ही साथ आने वाले समय में। अब आपकी क्या राय है उन तीन विधायकों को लेकर कि क्या उन्होंने सही किया सोनिया गांधी के साथ, क्या उन पर फैसला ले लेना चाहिए और उन्हें यहाँ पर इस्तीफा दे देना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक दलों के नेता, चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिश्री जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे नए पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी को हृदय से बधाई देती हूँ। अभी अभी मेरे बारे में जो भावनाएं व्यक्त की गई है उसका मैं सम्मान करती हूँ और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। सबसे अधिक संतोष इस बात का है कि अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि उनसे पूरी पार्टी को एक प्रेरणा मिलेगी, एक संदेश मिलेगा और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लगातार मजबूत होगी। मैंने अभी अभी कहा कि मैं राहत महसूस कर रही हूं, मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूं। राहत इसलिए कि आपने
इतने वर्षों तक मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, यह मेरे लिए इस तरह से गौरव की बात है कि उसका एहसास मुझे अपने जीवन की आखिरी सांस तक रहेगा। लेकिन यह सम्मान एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी। मुझसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जितना बन पड़ा उतना किया। आज मैं इस दायित्व से मुक्त हो जाऊंगी, यह भार मेरे सिर से उतर जाएगा, इसीलिए स्वाभाविक रूप से मुझे राहत का एहसास हो रहा। मैं आप सबको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमेशा अपना सहयोग और समर्थन मुझे दिया। अब यह जिम्मेदारी कारगे जी के ऊपर आ गई है। परिवर्तन संसार का नियम है। यह परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में होता रहा है और होता रहेगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जीवन के हर क्षेत्र में नए नए चुनौतियां आती रहती है। आज हमारी पार्टी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आज देश के सामने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जैसा संकट पैदा हुआ है, उसका मुकाबला हम सफलतापूर्वक कैसे करें। आपने जिस तरह लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में अपना नया अध्यक्ष चुना है, मुझे विश्वास है कि उसी तरह पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता आपस में मिलजुल कर एक ऐसी शक्ति बनेंगे जो हमारे महान देश के सामने उपस्थित समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। कांग्रेस के सामने पहले भी बड़े बड़े संकट आए हैं, लेकिन पार्टी ने कभी हार नहीं मानी। हमें अब भी पूरे संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकता के साथ आगे बढ़ना है और सफल होना है। आज इस विशेष अवसर पर मैं बस यही चंद शब्द कहना चाहती थी। अंत में मैं सबको अपने लगातार सहयोग के लिए एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ और इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मिस्त्री जी को भी खास तौर से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने पार्टी के यह चुनाव बहुत अच्छी तरह संपन्न कराए। मैं मल्लिकार्जुन खारगे जी का नए अध्यक्ष के रूप में स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।